हाँ चलो ये सुना, चलो ये कल इन्होंने ना बंदरों ने पूछा था, बंदरों ने हाँ इन्होंने पूछा था ये तुम्हारे सबके सामने भी यही समस्या रहती है। इन्होंने पूछा क्या तुम्हारी सबकी समस्या है, मैथ सबसे बड़ी समस्या मैथ नहीं आती है ना, अरे यही समस्या है मामा, यही समस्या है मैथ नहीं आती, उसके पीछे का रीजन जान लो तुम सब। तुम में से 90% जो ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के पता है, वो सभी आर्ट्स वाले हैं। कौन से आर्ट्स वाले? अब तुम में से क्या है ज्यादातर बच्चे 2018 या उससे पहले 10th पास किए थे, ठीक है। अब अभी क्या चल रहा है 2022 चल रहा है भाई, तो यानी तुम क्या है मैथ से कनेक्टिविटी तुम्हारी हट गई है पूरी की पूरी। और कनेक्टिविटी हटने के कारण क्या हुआ है, मैथ कमजोर हो गई है। तो इसलिए जिनकी भी मैथ कमजोर है, जिनकी क्या सबकी मैथ कमजोर है, मैथ अगर सही हो गई तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का, समझे मोनिका जी। बस सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, मैथ और रीजनिंग में कुल मिला के 48 से 50 नंबर, बस उसकी नौकरी पक्की, समझो समझो एक बार। अब तुमको पता है कि तुमको मैथ और रीजनिंग तैयार करनी है, तुम्हारे पास में अभी भी समय 8 से 9 महीने का है, अरे क्या नहीं कर सकते क्या तैयार है, हैं? कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो, अगर पीछे ही पड़ जाओगे इसके तो आराम से कर सकते हो। अरे देखा है जब पत्थर पे वो रस्सी घिसती है ना, रस्सी की क्या औकात होती है, एक सूत की रस्सी होती है वो पत्थर में घाव कर देती है, पत्थर के निशान कर देती है ऐसे घिस घिस के। तो सोचो जब रस्सी पत्थर को चीर सकती है उससे तो कोमल कुछ होगा नहीं, पत्थर से कठोर कुछ नहीं होगा, तो फिर तुम 3 महीने में ही मैथ सीख सकते हो, 9 महीने तो तुम्हारे पास में ज्यादा है अगर तुम निरंतर प्रयास करो। लेकिन पंगा क्या है कि तुमको मैथ से ही तो लगता है डर, इसलिए तुम मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर तुमको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर सीखोगे कैसे बताओ, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसी को ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि आपको 1 महीना 45 दिन हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि बनने लगेगी। शुरुआत में क्या होगा, नींद आएगी कुछ दिन तक। अब जैसे जिसको मैथ नहीं आती उसको क्या आती है, नींद आती है, समझ में आई, जिसको मैथ नहीं आती उसको क्या आती है, नींद आती है। अब तुम सोचो नींद की बजाय अगर तुमको मैथ आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए, है? करना यह है जब तक तुम कोई भी पर्सनालिटी है उसको ऐसे कर लो कि चाहे मुझे याद करना पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब तक मैं सीखूंगा नहीं तब तक आगे वाली में जाऊंगा नहीं, और पीछे पड़े रहो रात दिन अपने आप ही आ जाएगी भाई मैथ। जो भी मैथ पढ़ाना सीखा है या जो भी मैथ सीखता है वो शुरुआती दौर में ऐसा ही करता है, सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, अरे सभी को नींद आती है मैथ को, तुम्हारे को थोड़ा ना, अब रुचि हो जाती है बाद में उस सब्जेक्ट को पढ़े, जीके तो सबको अच्छी लगती होगी नहीं लगती, हाँ जिनके साइंस में सब्जेक्ट है उनको जीके से बहुत बड़ी परेशानी है, उनका सबसे बड़ा दुख है जीके, क्योंकि उनको जीके याद नहीं होती। अब जीके में क्या होता है, कहानी होती है महाराणा प्रताप ने ऐसे युद्ध लड़े और ये काम किसके हैं, आर्ट्स वालों को, इनको बहुत मजा आता है कि भाई 1726 में वो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ये तलवारें चल रही थी, घोड़े कट रहे थे, हैं? राजा महाराजा लड़ रहे थे, समझे बात, उस समय राड किसकी होती थी, रानियों की, और आज भी राड किसकी है, रानियों की है, क्योंकि नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, रंडवा मर जाएगा, हाँ रानी नहीं मिलेगी ना, तो भाई राड किसकी है, बस ये था प्राचीन काल में उसके लिए तरवाजे चलाने पड़ती थी, अब क्या चलाना पड़ता है, कलम है, वो एक एक लाइन है ना कि मेरी कलम मेरे उससे इतनी वाकिफ है कि मैं लिखना चाहूं इश्क तो भी इंकलाब लिखा जाता है, हाँ मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो लिखा क्या जाता है, इंकलाब, समझ आई बात, और इस इंकलाब के नीचे शादी भी लिखा रहता है क्या
जो हसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। अश्विन कुमार, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। नहीं, हाँ, इसलिए देखो, अगर अभी इतने तुमको सबकी आंखें क्लियर है, हर एक इंसान को पता होता है कि उसको क्या करना है नौकरी लगने के लिए, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमेशा दिमाग दो साइड में चलता है, दो साइड में कैसे, एक बार ऐसे ख्याल आता है पता नहीं कितने दिन जिंदा रहना है, क्यों फालतू का लोड ले, दूसरे सेकंड में ख्याल आता नहीं भाई जीना पता नहीं कितने साल है, पढ़ी लो क्या पता बाद में पछताए, ये दोनों चीजें दिमाग में चलती है। अरे चलती है ना, एक बार कभी कभी ऐसे दिल करता है छोड़ो ना, क्या है, लगेंगे तो लगेंगे नौकरी, नहीं तो बाकी सब जी रहे हम भी जी लेंगे। जैसे आधा घंटा 20 मिनट होगा दिमाग चेंज होगा, बोलेगा नहीं भाई नौकरी तो लगनी पड़ेगी, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, करेंगे क्या है, कोई रोजगार भी नहीं है, पानीपुरी के तो आगे थैले बहुत है, हम कहां लगाएंगे, समझ आई बात? उस स्थिति में क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरा मोटिवेशन ना जो मैं बता रहा हूं ये लेना है। नौकरी लगने के लिए सरकारी नौकरी चाहे कोई भी विभाग में लगो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका फोकस एक होना चाहिए कि मुझे नौकरी लगना, भले उससे पैसा अर्न हो चाहे नहीं हो, टारगेट केवल एक होना चाहिए, मुझे नौकरी लगना है, ताकि कम से कम कुछ वैल्यू तो हो मेरी है। तो नौकरी लगने के लिए तुमको सबको पता है, जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जैसे जो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, या मान लो एसएससी जीडी की तैयारी, आर्मी की जो तैयारी कर रहा है उसको क्लियर है कि मुझे 1600 मीटर 5 मिनट में मारना है। अरे क्लियर है, अब इसमें बताने की जरूरत है क्या? अब उसका टाइमिंग नहीं आ रहा तो उसको पता है उसके लिए क्या करना है, 1600 मीटर के अगर उसकी टाइमिंग नहीं आ रही तो उसको क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादातर पेट की एक्सरसाइज करनी है, या ज्यादा से ज्यादा टाइम रनिंग करनी है, दिन में 2 बार 3 बार करेगा, आएगी आएगी ना टाइमिंग, यानी करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। पता है ये बातें तुमको कि अगर तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा, रनिंग की स्टेप बढ़ जाएगी, और तुम 1600 मीटर 5 मिनट में मारने लग जाओगे। जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, या और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, हैं? क्या करना है, पढ़ना है। अब उसके बावजूद तुमको यह पता है कि अगर मैं अभी से 4 महीने दिन लगा के अगर मेहनत कर लूंगा तो 100% में नौकरी लग जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं करते, बोले इससे मूर्ख क्या हो सकता है इंसान, पता है मुझे क्या करना है, फिर भी तुम फालतू की बातें करते हैं। जब भी मैं देखूंगा ना तो उधर कुछ ना कुछ, हाँ हमारे उधर गांव में तो ये हो रहा था, हमारे उधर फलाने का ये, पूछने का ये, वो। अरे क्या मतलब है इन बातों का, क्यों करते हो बातें, बस पढ़ाई करो ना हर टाइम। आप एक दिन में अगर 6 घंटे पढ़ते हो, मैं बोलता हूं 4 घंटे से लेकर 5 घंटे भी डेली पढ़ते हो, लेकिन बात यह है कि जो डेली तुम पढ़ रहे हो 4 घंटे 5 घंटे, ये किससे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, दिल से। अब दिल तो तुम्हारे पास है नहीं, वो दिल तो चोरी हो गया हमारा है, दिल तो पता नहीं कौन चुरा के ले गया। अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है तो तुम नौकरी लग सकते हो, तुम्हारे चांसेस ज्यादा है। और जिनका दिल चोरी हो गया है उनका नौकरी लगने का चांस है नहीं, क्यों, क्योंकि वो दिल से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात सोनू, समझ में आई बात? दिल किसके पास होना चाहिए, खुद के पास होना चाहिए, वो नहीं कि मेरा दिल चुरा लिया आपने, ठीक है, दिल खुद के पास होगा वही नौकरी लगेगा, इसलिए दिल की चोरी नहीं होने देनी है, ना ही किसी का दिल चुराना है। अगर चुरा लिए तो सोचो एक सीने में 2 दिल हो जाएंगे, हैं? फिर वो गाना गाओगे दो दिल होते सीने में, तकलीफ ना होती जीने में, सोनू वो चलेगा नहीं बेटे। ये नहीं, आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटा जब भी पढ़ाई करो, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करो, तो तुम्हारा नंबर कोई रोक नहीं सकता। आंखें खोल लो थोड़ी सी, तुमको पता है कि मेरे पास में भी 5 से 6 महीने का समय है, अगर मैं रेगुलरली 4 घंटे 5 घंटे भी अगर डेली अपनी स्टडी को देता हूं तो बहुत टाइम है, वो सफिशियंट है। अरे 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ के तो आईपीएस बन रहे हैं, तो तुम ऐसे जीडी फाइट नहीं कर सकते क्या? लेकिन होता क्या है कि तुम टाइम कैसा देते हो, जैसे ये पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते इसके ऐसे करेगा, ऐसे, फिर इसके उंगली करेगा, फिर इधर से उठाएगा कुछ कंकीर, उसके मारेगा, फिर हाँ
फिर तो केंद्रीय तरह देखा क्या पता लाइब्रेरी में मैं दिख तो नहीं रहा हूँ, कोशिश करेगा कैमरे से इससे छुपने की, ऐसा नहीं मैं दिख तो नहीं रहा हूँ, है ना मामा, ये करता है ना। हाँ लड़कियों का तो बस एक ही बातें हैं, दो चार बातें वो फिक्स चलती है इनकी तो, है ना। अरे फिक्स बातें तुम्हारी बहुत लंबी लंबी चलती है ना, बात शुरू हो जाती है फिर रुकती नहीं है, पता नहीं इतनी बातें कहाँ जाते हैं इनकी, रात को एक बजे तक बातें खत्म नहीं होती, इतनी कहाँ से बातें लाते तुम। हाँ कौन क्या बोला, मैं खुद कई बार आया हूँ गाड़ी से, मैं कभी लेट हो जाता हूँ जाता हूँ उधर तो एक बजे तक नेचुरली बातें चलेगी, एक बजे तक। ओ हो बोलो, बोले कपड़े धोते हम लोग, तो कपड़े भी तुम चार लोग साथ में मिलके धोते हो, अच्छा हाँ ये सही है, जब एक कपड़े धो रहा है तो दूसरा बंदा क्या करता है उसको कंपनी देता है, फिर वो धोते धोते हाँ हाँ हाँ, अरे एक उसकी कोई कंपनी देगा तो धोकेर सुखाकेर चलो भाई जल्दी जाके सो जाए, ये कंपनी वाला काम नहीं, यही गलत है, खाने की प्लेट लेके जाएगा ना तो भी उड़ेगा, अरे आ रहा क्या वो आ जाए फिर दोनों मिलकर रमेश नरेश वो आ रहा क्या नरेश इधर खड़ा खड़ा, अरे भाई तू खाना खा पी के पढ़ाई कर तेरी कौन सी यारी दोस्त तेरे को गेट में मिला कोई घर से तोड़ना आए तेरे साथ वो है। इंसान के जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतनी उसकी तरक्की अवरोध होगी, तुमको दिखा बड़े लोग, मैंने तुमको एक बार पहले उदाहरण दिया था कि जनरल बोगी और ए क्लास जो होती है एसी उसमें सफर करके देख लेना, गरीब गरीब के अमीर अमीर के, गरीब हर जगह रिश्ता बनाता है, उसको जानता ही नहीं उससे रिश्ता बना लेगा, हाँ भाई दो मिनट पहले साथ हुआ अब उसके साथ ही खाना खाएगा, दो मिनट पहले मान लो ये मेरे को मिल गया अब मैं इसके साथ ही खाना खाऊंगा इसके साथ ही नहाऊंगा, अरे भाई क्या मतलब है, अब तू अपना नहा के आएगा दस मिनट में, अब तू पहले दस मिनट ये लगाएगा फिर ये नहाएगा तो तू वहां खड़ा रहेगा, तो दस मिनट तूने अपनी और बात कर ली, फिर ये कहीं जाएगा तो तेरा वेट करेगा। गरीब आदमी क्या करता है ज्यादा रिश्तों में उलझता रहता है, रिश्ते ज्यादा नहीं बनाने, समझ आए भाई, तुम्हारा अभी एक ही टारगेट है वो है नौकरी और इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं, किसी से यारी दोस्ती नहीं, समझ में आई बात है। अभी जो दोस्ती करनी है वो सिर्फ इससे करना है, प्यार मोहब्बत इश्क विश्क जो भी करना है इससे करो, बस इसके बिना रह नहीं सकते, वो लाइन इसके लिए बोलो कि किताब को छोड़ के मैं दूर नहीं हो सकता, बात समझ में आई, तब जाके नौकरी लगती है भाई। तुम तो क्या करते हो दो मिनट दस दिन पहले मिला नहीं अब उसके बिना खाना ही नहीं खाएगा, वो बोलेगा वो कहाँ है, बोलेगा अरे वो अभी कपड़े धो रहा है, ठीक है मैं यहाँ खड़ा हूँ आ जाए तो आ जाना साथ में चलेंगे। अरे भाई जनरल बोगी में क्या होता है, स्लीपर में क्या होता है, आदमी जैसे ही कोई बात नहीं बता देंगे, जनरल बोगी में क्या होता है स्लीपर में क्या होता है, जैसे आप जाके बैठोगे और जाते बातें शुरू कर दोगे, बस एसी में सफर करना कभी कोई किसी से बोलता नहीं है, कोई किसी से फालतू के रिश्ते नहीं बनाता, क्यों क्यों उससे बोलेगा चार बात करेगा कैसे हो ठीक हो, अरे तू ये बोलेगा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं तो वो कौन सा तेरे को पैसे निकाल के दे देगा ले कर मजे, होता है ऐसा नहीं होता ना, फिर क्या फालतू किसी जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान क्या करना, बात खत्म तू तेरा कर मैं मेरा करूं, समझ नहीं बार यही ज्ञान नियम अपनाना है, कोई किसी से यारी दोस्ती नहीं ग्रुपबाजी नहीं, अपना काम करो जय सियाराम, ठीक है सोनो हाँ उसके मोनू के बिना चले जाना खाना खाने, जाओ सीधा खाना खाओ ना, वो तुमको कौन सा गाज देने वाला मुंह में, यही चीजें तुम गलती कर रहे हो और यही तुम्हारा समय खत्म हो जाता है एक दिन का एक घंटा, लड़कियों में तो ज्यादा लड़कियां तो दस सात में होगी तब जाएगी है? पानी पीने भी तो जाएगी तो भी यहां से हाँ हाँ, अरे भाई जाना तो पानी पी के आ जा, बसंती कहां पर कदम मिला के चलती है ऐसे, अगर वो एक बराबर चलेगी 18 इंच का पैर रखेगी दूसरी पे 18 का रखेगी, है ना, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं तो भी साइड नहीं दे रही भाई, गाड़ी उधर बाहर पे छोड़ दी मैंने, गाड़ी उधर बाहर पे चढ़ गई मेरे से, लेकिन ये साइड नहीं दे रही, ठीक है यही गलती करते हो, फालतू के रिश्ते नहीं मान